अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफान, जुलेखास किचन से। आप लोग सब कैसे हैं? मैं भी अल्लाह का करम है और आप लोग की दुआएं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज मैं बना रही हूँ भटियारा स्टाइल, या कहिए शादियों स्टाइल वाला जो बनता है चिकन कोरमा। बहुत ही मजेदार बनता है, झटपट तो बनी जाता है, एकदम क्विक है। आप जब रेसिपी देखोगे आप बोलोगे अरे ले, ये तो मेरी बच्ची भी बना सकती है या मेरा बेटा भी बना सकता है, 10, 12, 15 साल वाला। तो इतना इजी है मेरा बोलने का मतलब है, और टेस्टी भी उतना ही है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश आज की। चलिए, तेल को फास्ट आंच पर गरम कर दीजिए। गरम हो जाए तो मीडियम आंच कर यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज को स्लाइस करके रखा है, आधी डाल दीजिए और इसे फ्राई कर लीजिए। लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उतार कर साइड पर टिश्यू पेपर के ऊपर रख दीजिए। इसी तरीके से सेकंड बैच भी फ्राई कर लीजिए। पूरी डिटेल रेसिपी आपको चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देती हूँ। ये बिरिस्ता कैसे बनाते हैं, जब ये पूरी तरीके से फ्राई हो जाए दोनों, तो इसे है ना थोड़ी देर ठंडा होने साइड पर रख दीजिए। जब ठंडा हो जाए तो मिक्सर जार के अंदर डालकर इसे दरदरा सा पीस लीजिए बिना पानी डालकर ऐसे, और इसे साइड पर रख दीजिए। अब हम दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। ये है 4 हरी इलायची, ये जावित्री है, थोड़ी सी छोटा सा टुकड़ा जायफल का भी था, और इसे मैंने कूट कर इसे साइड पर रख दिया। ये देखिए इस तरीके से। ये है धोई हुई नितारी हुई चर्बी निकाली हुई 750 से 850 ग्राम चिकन है हड्डियों के साथ, आप 1 किलो तक की भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 कप दही डाल रही हूँ, गाढ़ी दही है। मैंने 1.5 से 2 कप दही को छानने पहले साइड पर रख दिया था और अब ये गाढ़ी दही निकली है उसमें से। नमक डाल दीजिए इसके अंदर स्वाद अनुसार। ये है स्पाइसी वाला 1 छोटा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, और ये है कश्मीरी वाला लाल मिर्चों का पाउडर जो नॉन स्पाइसी होता है। आप चाहें तो स्पाइसी वाला और ज़्यादा डाल सकते हैं। 1.5 छोटे चाय के चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए, 1/2 छोटे चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 छोटे चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 4 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए, 4 टेबलस्पून असली घी डाल दीजिए। आप चाहें तो टोटली तेल में भी बना सकते हैं या मेरी तरह दोनों डाल सकते हैं। मैं तेल भी डाल रही हूँ, तो ये जो प्याज का जो तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई की थी वही तेल थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं। 1/2 छोटे चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए, 8-10 काली मिर्ची डाल दीजिए, 4-6 लौंग डाल दीजिए, और 6-7 हरी इलायची डालिए, 2 तेज पत्ते और 1 डांडी दालचीनी की डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए, बहुत ही अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो मैरिनेट करके ये सारी मसाले के साथ रखना चाहते हैं तो फेयर इनाफ आप रख दीजिएगा, पर मुझे ऐसे कोई खास ज़रूरत लगी नहीं। तो ये जब आप बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें हल्का सा ऐसा इस तरीके से उबाल आने लगे, चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच और तकरीबन 3 से 3.5 मिनट या 4 मिनट, मतलब 3-4 मिनट के दरमियान तक इसे बार बार चलाते हुए पका लें, सो दैट ये जो दही है इसका पानी भी जो छूटेगा वो भी सूखेगा, और ये जो चिकन का पानी निकलेगा वो भी ऑलमोस्ट थोड़ा सूखेगा, हमें पूरी तरीके से नहीं सुखाना है। अच्छा, अब अगर फर्ज करो आपने दही को नितार कर छान कर, मेरा मतलब है नहीं लिया है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय 3-3.5-4 मिनट के बजाय आप 6-7 मिनट तक इसे भूनिएगा। चलिए 3-3.5-4 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है। अच्छा, मैंने स्पाइस कम रखा है, 1 ही स्पाइसी वाली मिर्ची का पाउडर डाला था 1 छोटा चाय का चम्मच, आप चाहें तो और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 1 के बजाय 1.5 या 2 डाल सकते हैं, और एक्स्ट्रा 1 कश्मीरी मिर्च का जो जैसे मैंने डाला था वैसे डाल सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। चलिए, ये तकरीबन 3.5 मिनट हो चुके हैं 4 मिनट के दरमियान, तो ये जो साइड पर हमने प्याज को पीस के रखा है बिरिस्ता को, ये सारे को डाल दीजिए। बहुत अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, 1/2 मिनट तक भूनने दीजिए प्याज के साथ। जब 1/2 मिनट हो जाता है तो यहाँ पर मैं पानी डाल देती हूँ। अब तकरीबन यहाँ मैं पानी डाल रही हूँ 1.25 कप जितना, अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप और ज़्यादा डाल सकते हो, आपको कम चाहिए आप कम डालिए। अच्छा, यहाँ एक और चीज़ पे डिपेंड होगा, यहाँ ज़्यादा पानी सूख गया है तो आपको थोड़ा पानी ज़्यादा डालना पड़ेगा, अगर कम पानी सूखा है और अच्छा खासा पानी है अभी भी आपकी ग्रेवी के अंदर तो पानी कम डालिएगा इसके ऊपर, समझे ना, ये ऐसा हिसाब रखना है। तो मैंने लेकिन तकरीबन 1.25 कप डाला है। जो कूट के मसाला हमने रखा है साइड पर, आप चाहे तो पीस भी सकते हैं, इसे डाल दीजिए, और मैंने थोड़ा सा साइड पर रखा है, एंड में थोड़ा सा डाल दूंगी। इसे डालकर मिक्स कर लीजिए और इसमें उबाल आ जाने दीजिए। जब उबाल आ जाता है तो स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 12-15 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक चिकन पूरी तरीके से गल नहीं जाती तब तक। अगर आपको लगे कि और पानी डालने जैसा लग रहा है, 1/4 कप जितना और पानी डाल दीजिए। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं 1/2 कप पानी और डाल रही हूँ, और डालकर मिक्स कर उबाल खिलाकर स्लो आंच पर पकने देती हूँ जब तक चिकन गल नहीं जाती तब तक।
चलिए 15-17 मिनट हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं चिकन पूरी तरीके से, देखने से ही मेरी तो चिकन गल चुकी है, आप सब भी चेक कर लीजिएगा। अच्छा तेल भी आप देख सकते हैं बढ़िया सा माशाल्लाह छूटा है। अच्छा अगर आप जानते हैं तो देगी चिकन कोरमा जो आप दावतों में शादियों में देखते हैं उसमें तेल होता है, तरी होती है, तो ये उसी हिसाब से मैंने बनाया। आप चाहें तो कम तेल या घी डालें। अच्छा मैंने जो साइड पर मसाला रखा था पिसा हुआ जो थोड़ा सा बचा था वो डाल दिया, और थोड़ा सा केवरा वाटर मैंने डाला है, मिक्स कर लेती हूँ और चूल्हा कर देती हूँ बंद। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए और गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिए। अच्छा मैंने मिर्च का मिजान है ना कम रखा है, आप चाहें तो स्पाइसी वाली ज्यादा और डाल सकते हैं एक के बजाय। अच्छा अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए रोटी पराठा फुल्का किसी के भी साथ। तो ये हो गई बन गई हमारी इजी, बहुत ही बढ़िया सी, आप देखें ना कितनी इजी बन गई हमारी देगी चिकन कोरमा एकदम भटियारा शादियों वाले स्टाइल में। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।